वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट क्लोज 44 के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टैक्स ऑडिट क्लोज 44 है क्या। क्लोज 44 एक न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है जिसे 31 मार्च 2022 के बाद दर्ज किए गए सभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट बनाया गया है, जिसको ऑडिटर्स के द्वारा सूचित किया जाना आवश्यक है। ऑडिटर्स को पिछले वर्ष के दौरान किए गए एक्सपेंडिचर की टोटल अमाउंट की रिपोर्टिंग आवश्यक है, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं मिरेकल में आपको क्लोज 44 ऑप्शन कहां से मिलेगा। गो टू रिपोर्ट बैलेंस शीट आईटी टैक्स ऑडिट क्लोज 44। यहां पे क्लोज 44 में एक पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें हमें टोटल 3 सिलेक्शंस मिलेंगे। अगर पूरे ईयर की डेबिट रिपोर्ट चाहिए देन हमें डेबिट सिलेक्ट करना है। इसी तरह से हम क्रेडिट रिपोर्ट भी गेट कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन है एज पर लेजर, यानी हमें डेबिट और क्रेडिट रिपोर्ट साथ में मिल जाएगी। हम डेबिट देख रहे हैं। ईयर में हम 2022 एंड 23 ईयर टाइम पीरियड सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे साल की डेबिट रिपोर्ट हमारे सामने है। चलिए पूरे रिपोर्ट को कॉलम वाइज समझते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर इंडिकेट कर रहा है, नेक्स्ट वर्ष के दौरान किए गए एक्सपेंडिचर की टोटल अमाउंट को सुनिश्चित कर रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग परचेजेस एंड इंपोर्ट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट फोर कॉलम्स एक्सपेंडिचर्स आर रजिस्टर्ड अंडर GST। देन नेक्स्ट कॉलम टोटल एक्सपेंडिचर का कितना हिस्सा GST से मुक्त वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित है यह सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट कंपोजिशन स्कीम में बताए गए टोटल एक्सपेंडिचर का कितना हिस्सा GST कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाली संस्थाओं से संबंधित है वो बताया गया है। रेगुलर स्कीम कॉलम में कंपोजिशन डीलर्स के अलावा GST रजिस्टर्ड डीलर के साथ किए गए एक्सपेंडिचर्स को डिस्क्लोज कर रहा है। टोटल ऑफ रजिस्टर्ड स्कीम में पिछले वर्ष GST रजिस्टर्ड स्कीम को कितना भुगतान किया गया था वो इंडिकेट कर रहा है। लास्ट कॉलम यानी टोटल ऑफ अनरजिस्टर्ड स्कीम अनरजिस्टर्ड पर्सन द्वारा किए गए व्यय को डिस्क्लोज कर रहा है। हमने जो देखा वो डेबिट रिपोर्ट था, लेकिन अगर आपको क्रेडिट रिपोर्ट भी देखना है देन आपको मेनू ऑप्शन में जाके फिर से ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज आप नीचे अवेलेबल फॉर्मेट बटन ऑप्शन में जाके सभी फॉर्मेट्स की रिपोर्ट आसानी से गेट कर सकते हो। अभी हम बाकी के बटन्स जो नीचे अवेलेबल है उसका यूज जान लेते हैं। अगर हमें किसी को एक्सेल शीट शेयर करने की रिक्वायरमेंट है देन हम प्रिंट बटन में जाके फाइल टाइप में एक्सेल सिलेक्ट करके इजीली गेट एंड सेंड कर सकते हैं। डेट बटन से हमें डेट रेंज सिलेक्ट करने का एडवांटेज मिल रहा है, जहाँ हम हाफ ईयर या क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए तो वो भी गेट कर सकते हैं। फिल्टर बटन की हेल्प से अगर आपको कोई पर्टिकुलर फिल्टर ऐड करवाना है तो वो आप कर सकते हो। एंड मास्टर बटन की हेल्प से अगर हमें पर्टिकुलर ग्रुप वाइज अकाउंट डिटेल्स चाहिए देन वो हम मास्टर सिलेक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम टैक्स ऑडिट क्लोज 44 ट्यूटोरियल यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो एंड आगे ऐसे ही हेल्पफुल ट्यूटोरियल देखना पसंद करोगे then don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.